सो हेलो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन की क्या होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन बेसिकली सो इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज सो जब भी हमारी जॉब्स uh, या फिर टेक्नोलॉजीज या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं ओवर द कंट्री बाउंड्री मतलब अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाकर तो वही हमारा क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है ओके okay? इट इज़ द इंटर डिपेंडेंस अमंग द नेशन अराउंड द ग्लोब सो हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ को इंटर डिपेंडेंस बनाता है डिफरेंट नेशंस को अराउंड द ग्लोब में पूरे ग्लोब में अब हमारे बिजनेसिस क्यों ग्लोबल जाना चाहते हैं वो हमारे इस वजह से जाना चाहते हैं फॉर द प्रोडक्ट इफिशेंसी अपने प्रोडक्ट की इफिशेंसी को बढ़ाने के लिए क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कोई हमारा रो मटेरियल हाई प्राइज़ का मिल रहा है तो दूसरी कंट्री में लो प्राइज़ का रो मटेरियल परचेज़ करके हम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन इफिशेंसी हम अपनी बढ़ा सकते हैं मतलब पहले अगर हमारी कंपनी हंड्रेड रुपीज़ में हंड्रेड प्रोडक्ट बना रही थी अब हमारा रॉ मटेरियल हमें कम प्राइस में मिल रहा है दूसरी कंट्री से तो अब हमारा हंड्रेड रुपीज़ में वही टू हंड्रेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी सो ये हमारा क्या कर रहा है प्रोडक्ट की इफिशेंसी को बढ़ा रहा है सेकेंड इज़ इट टू ब्रॉड इन मार्केट्स मार्केट को ब्रॉड कैसे कर रहा है पहले सिर्फ हम इंडिया की कंट्री में डील कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को अब हम दूसरी कंट्री में भी उसको डील कर पा रहे हैं लाइक like सेल कर पा रहे हैं ओके नाउ फॉर रो मटीरियल एंड न्यू टेक्नोलॉजीज अब हमारा रॉ मटेरियल कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा दूसरी कंट्री से ही हमें लाना पड़ता है लाइक द फ्यूल फ्यूल हमारा सऊदी अरेबिया से आता है इंडिया में सो so, ऐसी हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हमें हायर करनी पड़ती हैं या फिर परचेज करनी पड़ती है दूसरी कंट्री से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जिसकी वजह से हमारी जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट गेन करें नेक्स्ट इज़ टू डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई होता है हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कितनी लाइन में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना से पहले हम बिस्किट बना रहे थे अब हम नमकीन भी बना रहे हैं ऐसे हमारे प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना कितनी कैटेगरीज़ में तो हमारा ये होता है हमारे इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स uh, में डाइवर्सिफाई होता है डाइवर्सिफाई uh, किस लिए होता है जिसकी वजह से वो ग्लोबल के कंपटीशन को मीट कर पाए ओके okay? एंड नेक्स टू रिटेन कस्टमर रिटेन कस्टमर मीन्स कस्टमर्स को रिटेन करना अट्रैक्ट करना और उनको मतलब ज़्यादा कस्टमर को uh, अपने प्रोडक्ट की तरफ एट्रैक्ट करना मतलब पहले सिर्फ इंडिया का कस्टमर मिल रहा था उसको अब उसको पूरा होल कंट्री का ब्रॉडन uh, कंट्री मतलब ब्रॉडन पूरा ब्रॉड मार्केट का कस्टमर मिल रहा है तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिटेन भी होता है कस्टमर एंड जब हम दूसरी कंट्रीज़ में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करता है और ये जो होता है टू अवॉइड पॉलिटिकल ट्रेड एंड रेगुलेटरी हर्डल्स एंड गवर्नमेंट इम्पोजेस टैरिफ्स जो हमारे टैरिफ्स होते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि उनको रिमूव करती है नेक्स्ट इज वॉट इज द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो हमारे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट इज रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाई प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवड एक्सेस टू द गुड्स एंड सर्विसज सो फर्स्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट कि ये हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है जो अभी डेवलप हो रही हैं उनके जो पीपल होते हैं उनका रेज कर देती है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग क्योंकि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट uh, और इम्पोर्ट से पैसा आता है um, बेसिकली हमारा पैसा आता है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं दूसरी कंट्री में जाके सो so, हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी जीडीपी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा सेकेंडली रिड्यूस द बैरियर्स लाइक ट्रेड ट्रे वैल्यू एडेड टैक्स एंड सब्सिडीज एक्सेट्रा जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में जाके कोई भी सामान बेचती है मतलब सेल करती है तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है और फॉरेन करेंसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करती है तो गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करता है कि हमारे जो टैरिफ्स होते हैं वो कम कर देता है उस पर बहुत कम इम्पोज़ करते हैं ओके okay? नेक्स्ट इज अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ मेजर जॉब्स मेक बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव एंड लोअर प्राइजेस फॉर द कस्टमर सो हमारा ये क्या करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे इकोनॉमिक uh, ग्रोथ में हेल्प होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है डिफरेंट पीपल्स uh, को कंट्री में ओके एंड क्रिएशन ऑफ ये हमारा लो, जब हमारी कंट्री ग्लोबली ट्रेड करेगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका वो ज़्यादा कंपटीशन में होंगे और ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा कम होगा और हमारे प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी अच्छी मिलेगी हमें ओके नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड द पुअर कंट्रीज कैपिटल इन्फ्यूज़न एंड टेक्नोलॉजी विच गिव्स दैम अ चांस टू डेवलप इकोनॉमिकली सो ये हमारा हेल्प करता है जो पुअर कंट्रीज़ होती, है, like होती है, हैं लाइक डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको कैपिटल इन्फ्यूज़न प्रोवाइड करता है मतलब कैपिटल प्रोवाइड कराता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट करके एक हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लाइक like, अगर हमें uh, को कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें नीड है फॉरेन टेक्नोलॉजी की तो हम इजीली ग्लोबल ट्रेड की वजह से मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से ईजिली उसको क्या कर सकते हैं दूसरी कंट्री से परचेज कर सकते हैं ओके okay? एंड अगर हमें वही अपनी मार्केट बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में सेल करना है सो so हम क्या कर सकते हैं उस चीज का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको सेल कर सकते हैं गिव द चांस गिव कस्टमर अवाइडर ऑप्शन ऑफ गुड्स फॉर फ्राम डिफरेंट कंट्रीज मेकिंग द मार्केट मॉर कॉम्पिटिटिव सो हमें क्या करते हैं जब हम ग्लोबली सब चीज़ें परचेज चीज़े या सेल करेंगे तो क्या होगा अगर हमें रो मटेरियल अपनी कंट्री में वही हंड्रेड रुपीज़ का मिल रहा है और दूसरी कंट्री में वो एटी रुपीज़ का मिल रहा है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा और इसी वजह से जो कंट्री में है कॉम्पटिशन बढ़ेगा जो हमारे प्राइजिज़ हैं किसी भी गुड्स के वो हमें क्या होंगे कम प्राइजिस में अच्छी क्वालिटी का गुड मिलेगा सिर्फ किसकी वजह से हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्योंकि होल कंट्री डील कर रही है परचेज एंड सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ओके इंक्रीज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग नेशन जो हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डिफरेंट नेशन के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहा है कोई तो वो भी इंक्रीज होगा फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर अब इंडिया की लेबर जो है बहुत ही लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है सो डिफ़रेंट कंट्रीज़ होती हैं जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अपनी कंट्रीज़ में लेबर्स को यूज़ करती हैं सो so, ऐसे ही हमारी जो फ्री मूवमेंट हो जाता है इसकी वजह से लेबर्स का ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ओके टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो शेयर कर लेते हैं लाइक like, हमारे कोई प्रोडक्ट या फिर किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की सो so, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ से किसी भी कंट्री से यू एस से रशिया से वहाँ से अडोप्ट कर लेती है उस टेक्नोलॉजी को ओके नेक्स्ट इज़ ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट हमारे ईजीली हो जाते हैं किसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट्स अफेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ड्यू टू स्टिफ कम्पटिशन फ्राम द इंटरनेशनल मार्केट सो बहुत ज़्यादा कॉम्पटिशन होने की वजह से मार्केट में ये हमारी जो नई नई कंपनीज होती हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो स्टिफ मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में वो रह नहीं पाती ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती सेकेंड इज कैन डिस्ट्रॉय जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड कैन लीड टू रिड्यूस वेजेस बिकॉज ऑफ चीपर लेबर अवेलेबल फ्रॉम पुअर कंट्रीज़ सो so, ये क्या करती है जो हमारी डेवलप्ड uh, कंट्रीज होती हैं उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में उसको ये रिड्यूस कर देती है क्योंकि दूसरी कंट्री जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको लो लेबर लो लेबर हमारा इजीली अवेलेबल हो जाता है लो कॉस्ट लेबर फॉर एग्जांपल के यूएस एस में uh, किसी भी प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत है सो so, वहाँ के बंदों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल है सो so, वो वहाँ से ले लेंगे सो इस वजह से ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देती है रिड्यूस कर देती है नेक्स्ट इज जनरल कम्प्लेन दैट इट मेड मेड द रिचर रिचर एंड पुअर पुअर सेकेंड इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमारे ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से कि जो रिच है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता चला जाता है और जो पुअर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता चला जाता है नॉट हैज बीन एबल टू एड्रेस ऑल द टैरिफ लीड टू इंक्रीज ऑन द नॉन टैरिफ बैरियर ये सभी टैरिफ्स पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाता कुछ कुछ टैरिफ्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बिजनेसिस को लार्ज बिजनेस आर गेटिंग एन ऑप्शन टू एक्सप्लॉयट द टैक्स सेवन इन अदर कंट्रीज टू अवॉइड टैक्सेस जो हमारे लार्ज बिजनेसिस होते हैं उनको वो जो क्या करते हैं वो उनको ऑप्शन मिलता है कि वो अपने टैक्स को छुपा सकते हैं फिर एक्सप्लॉयट कर सकते हैं मतलब दिखाते नहीं है सो so, इसकी वजह से भी वो अवॉइड करते हैं टैक्सेस को नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिस्क ऑफ बींग एंड और कॉपीड ये हमारा क्या करता है टेक्नोलॉजी रिस्क भी क्रिएट करता है जिसकी वजह से कि दूसरी कंट्री उसको कॉपी कर लेगी या फिर उसको स्टॉल मतलब चोरी कर लेगी नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज लाइक द कोरोना वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज मतलब बोल रहे हैं हम एक दूसरे से आ, मिल रहे हैं सो so, जब हमारा ट्रेड होता है तो ये जो नॉर्मली होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ भी हमारी दूसरी कंट्री से बंदे इधर आ रहे हैं इधर कंट्री से बंदे दूसरी तरफ जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए सो so ये जो है हमारा डिसीज़ को फैला सकते हैं कम्यूनिकेबल डिसीज़ को नेक्स्ट इज एक्सप्लाइटेशन ऑफ़ लेबर वुमेन चाइल्ड वर्कर्स यूज टू वर्क इन ह्यूमन कंडीशन इन सम कंट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर इग्नोर्ड केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफलिंग तो क्या होता है हमारा कि एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबर होता है सारी कंट्रीज ऐसे नहीं होता कि मतलब सारी कंट्रीज़ में ही अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो लेबर है वो अच्छे से वो करे मतलब ग्रो करे या फिर वहाँ से अर्न करे फॉरेन करेंसी बट सम कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमन ट्रेवलिंग करती हैं और या फिर सम कंट्रीज़ जो इग्नोर करती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर को ओके okay? सो so ये होते हैं सम डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता है मीट विद द करंट और अवर ओन कंट्री विद द होल ग्लोब विद द बेसिकली होली ग्लोबली वी आर मीटिंग अवर कंट्री विद द ग्लोब ओके वी आर डूइंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विद अवर कंट्री विद ओवर द वर्ल्ड ओके दिस इज द ग्लोबलाइजेशन बेसिकली सो इफ यू लाइक माई विडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक द चैनल थैंक यू